क्वेश्चन है 21/6, ये रैशनल नंबर्स है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इनको हमने डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है, डेसिमल मतलब पॉइंट की फॉर्म में इसके आंसर को लेके आना है और बताना है कि इसका जो आंसर है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो चलें सोल्व करते हैं क्वेश्चन। 21 को 6 पे डिवाइड करना है, तो 21 को अंडर रूट के अंदर रखा और 6 पे डिवाइड करना है तो 6 को बाहर। अब देखते हैं कि 21 जो है वो 6 के टेबल पे आता है। 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 6 6 6 2 12 6 3 18 3 की बारी 6 4 24, वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये तो 21 है। 6 6 6 2 12 6 3 18। अब 3 के टेबल पे 6 के टेबल पे 3 की बारी देनी है, तो ये 18 आ गया, 11 में से 8 गया तो 3। अब 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये जो 3 है ना ये 6 से छोटा है, तो अगर 6 1 6 दें तो ये इससे सॉल्व नहीं हो सकेगा, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 लगाना है और उसको नीचे लेके आना है। 30 हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि 6 के टेबल पे 30 आता है। 6 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30। 5 की बारी पे आ गया है 30, तो अब ये पूरा पूरा सोल्व हो गया है। अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या ये रिपीटिंग है या ना। ये तो टर्मिनेटिंग हो गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उन्होंने पूछा है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। देखें कोई कोई एक डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पे, ये पूरा पूरा सोल्व हो गया है। तो ये था इसका आंसर, क्वेश्चन सोल्व हो गया। थैंक यू।